अच्छा, तो ये भाई ई कट में काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं इससे पूछूंगा कि ई कट में ज्वाइन कैसे करते हैं? जब आपने ई कट ज्वाइन करी थी तो आप कहाँ गए थे ज्वाइन करने के लिए? एक्चुअली सर, हमारा ऑफिस है सेक्टर 7 के पास, सेक्टर 7 में इनका ऑफिस है। ठीक है सर, वहाँ पे जैसे इंटरव्यू के लिए पूछने ही गया था मैं भी, जैसे आप हम नॉर्मली मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके मैंने पूछा कि कोई जॉब अवेलेबल है या नहीं, तो जैसे वहाँ पे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम रिक्वायरमेंट चली हुई है हमारे लिए, यहाँ लाइसेंस और आरसी और बाइक होनी चाहिए, भाई पर्सनल लाइसेंस, हाँ बाइक होनी चाहिए, जैसे इनके ये बाइक है इस पर ये काम करते हैं। और ये देखिए सामान कितना सारा है, ये पूरा बैग भर जाता है। तो पढ़ाई लिखाई क्या मांगी थी स्टडी में? 10th बेस यानी कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, भी ऑर्डर कैसे देने हैं, कस्टमर के पास इतना ये डॉक्यूमेंट है, और पढ़ाई लिखाई मैंने आपको बताई दी है। अच्छा, इसके अंदर सैलरी बेस है या पैकेट का हिसाब है? एक्चुअली हमारा सैलरी बेस भी होता है, पैकेट बेस भी, नहीं मैक्सिमम जो है पैकेट बेस ही रहता है। तो जितने भी राइडर लग रहे हैं वो जाएंगे पैकेट बेस पे करते हैं मैक्सिमम। तो पैकेट का कितना पैसा मिलता है इसमें? 13 रुपए, 14 रुपए, कईयों को 20-25 रुपए भी मिलता है, तो जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा मिलता है। अच्छा, कहने मतलब जितना दूर का पैकेट होगा उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे सर। तो पर डे अगर मैं बात करूँ तो कितना आप पैकेट डिलीवर करते हो? नॉर्मली 50 से 60 पैकेट हो जाते हैं सर। तो पर डे पैकेट के हिसाब से कितना बन जाता है? 500-600 मिनिमम बन जाता है। मिनिमम 500-600 है, यानी मैक्सिमम 1000 तक भी चला जाता है पैकेट के हिसाब से। सेल चलती है कई बार तो उसमें 800-1200 बन जाता है। अच्छा, 1200 बन जाता है, यानी कि जैसे कि कोई फेस्टिवल होली दीपावली आ गई तो ऑर्डर ज्यादा होते हैं। जी सर। तो ये अपना जो सैलरी बेस लगता है, उनकी सैलरी कितनी होती है मंथली? उनकी सैलरी 11-12 हजार के आसपास ही होती है, लेकिन उन्हें भी सब मिला के तेल, उन्हें तेल का पैसा भी मिलता है, जैसे हमें नहीं मिलता उन्हें मिलता है। अच्छा, जो सैलरी बेस पे है उनको तेल का पैसा मिलेगा जी सर, और जो पैकेट के बेस पे है उसको पेट्रोल का पैकेट के अंदर ही होगा, यानी आपको जितना पैकेट डिलीवर करोगे उसी के अंदर आपका पेट्रोल होगा, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस जाओ या आपका पासपोर्ट। जी सर, आपने मुझे ये सब बताया, ऑडियंस को भी बताया। अच्छा, जॉइनिंग का प्रोसेस काफी अच्छा है इसमें, है ना? जी सर, ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब नॉर्मली 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और रिक्वायरमेंट तो हमें वहां पर जाके पता लगेगी ई कट के ऑफिस में, मैक्सिमम होती है सर। जैसे अभी भी आपने देखा कि सेल चली है, दिवाली की सेल आने वाली है, तो अभी भी हायरिंग चली हुई है हमारे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी ऑडियंस के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप भी सोच सको कि ई कट में जिसको लगना है और कैसे काम करना होता है। तो नॉर्मली आपके आपको एक बैग दिया जाएगा और ड्रेस भी आपको दी जाती है? नहीं, ड्रेस नहीं दी जाती, ओनली बैग, फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। फॉर्मल यूनिफॉर्म और आपको बैग मिलेगा, बैग के अंदर आपको पैकेट जितना भी होगा वो आपको बैग में डालना पड़ेगा, और आपको ऑन द रोड जाकर डोर टू डोर आपको यानी कि पैकेट डिलीवर करना है।